हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉकटेल्स विद जेटी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि हाउ टू सेट अप योर मिनी होम बार, एंड उसमें हमने ये दिखा था कि कौन सी स्पिरिट्स आप रख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी की, सो दैट सारी कैटेगरी कवर हो जाए। तो आज का जो एपिसोड है वो है कि दारू तो आपकी आ गई अब, है ना, आई होप कि आपने खरीद ली होगी। एंड अब नेक्स्ट इज के जो कॉकटेल्स बनानी हैं या जो भी आप बनाना चाहते हैं उन लिकर के साथ, तो कौन से ऐसे बार टूल्स हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल भी हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन्होंने मेरा वो एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं ऊपर चैनल सजेशन तो दे ही दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। एंड और आप सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आपको मेरे सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं, फॉर सेटिंग अप योर मिनी होम बार एंड उसमें कौन से बार टूल्स। तो दोस्तों सबसे पहले आता है अपना कॉकटेल शेकर। कॉकटेल शेकर मैंने ये लिया है, बहुत ही सिंपल है ये एंड इजी टू यूज है। इसमें ऑलरेडी एक स्ट्रेनर भी होता है, सो इनकेस नॉर्मली जो आप ड्रिंक्स बनाते हैं जिसमें ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं हैं, आइस और लिकर ही है, तो अच्छी तरह से ये स्ट्रेन कर देता है। अदरवाइज इसके साथ दूसरा एक स्ट्रेनर भी आता है जिससे कि आप ऐसा पोर कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जिसमें आप जैसे मोहितो बना रहे हैं उसमें मिंट आपने मडल किया हुआ है तो बहुत सारी मिंट लीव्स हैं जो मुंह में आ जाएंगी, है ना, तो किसी को पसंद नहीं होता है, तो तब उस टाइम में आप ऐसा एक स्ट्रेनर ले सकते हैं जिसमें आप डबल स्ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल होता है बट कभी कभार ड्रिंक ऐसी होती है जिसमें आपको डबल स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द मस्ट एंड इजी टू शेक, इजी टू यूज एंड परफेक्टली फिट हो जाता है। मैं इसका लिंक आपको दे ही दूंगा। अदर थिंग इज द आइस बॉक्स। आइस बॉक्स बहुत ही सिंपल सा है एंड इट वर्क्स वेल। साथ में टॉन्ग भी आता है इसके, अदरवाइज शॉवल है छोटी सी, अगर ज़्यादा आइस डालना है आपको तो आपको आइस बॉक्स भी चाहिए होगा, क्योंकि 90% ऑफ द कॉकटेल्स में आइस तो डलता है। देन कम्स द जिगर्स। ये स्टैंडर्ड एक 30-60 का जिगर है, सेम गोज विद इट। आई थिंक अलग अलग भी आते हैं, 20-40 का भी आता है, बट मैंने देखा है कि 30-60 का अगर आप नॉर्मल एक लेते हैं तो काम चल जाता है, क्योंकि आप इसको अगर 30 को हाफ में एयर करेंगे तो 15 ml हो जाएगा। अगर आपको 45 डालना है तो ऑब्वियसली 30 डाल के देन हाफ डाल दीजिए तो काम चल जाता है आपका। देन इज द ओपनर। ओपनर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बियर है या ब्रीजर है उसके लिए आपको ओपनर चाहिए होगा। इफ इट कम्स टू रेड वाइन, तो रेड वाइन के लिए आपको रेड वाइन ओपनर चाहिए, क्योंकि रेड वाइन ज़्यादातर जो होती हैं वो कॉर्क के साथ आती हैं एंड जनरली ये होता है कि अगर ओपनर नहीं है और आप कॉर्क ऐसा ओपन करना चाहते हैं तो कई बार बॉटल टूट जाती है, सो दैट तो आपकी वाइन खराब ना हो, बॉटल टूट नहीं जाए, तो ये ओपनर है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है एंड इट डज नॉट ब्रेक द बॉटल। ताकि जनरली लाइम स्क्वीज आप हाथ से भी कर सकते हैं बट इजी होता है, जनरली ये सबके घर में अवेलेबल है ही है। एंड जब आप कोई भी कॉकटेल बना रहे हैं तो आपको इंग्रेडिएंट्स जैसे पाइनएप्पल हो गया या मोहितो में आप मिंट यूज़ कर रहे हैं तो एक मडलर चाहिए होता है आपको। सो दिस इज़ द मडलर आई हैव। ये सिंपल सा मडलर है बट इट डज इट्स जॉब। अदरवाइज जनरली सबके घरों में अपना देसी मडलर तो होता ही है, स्पेशल बेलन, तो आप इससे भी मडल कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार स्पून। सिंपल बार स्पून है, जनरली इसके पीछे कई बार हेड भी होता है बट आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ बार स्पून, क्योंकि इसमें कई बार होता है कि जब ज़्यादा आइस है आपके ग्लास में कम जगह है तो आप इसको ईजीली स्टर कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज हो जाता है ये। एंड नेक्स्ट बारी आती है नोजल्स की। सो दिस इज काइंड ऑफ नोजल, सिंपल नोजल है, ये किसी भी बॉटल में फिट हो जाती है एंड जनरली बहुत सारी बॉटल्स ऐसी होती हैं जिसमें फिल्टर आता ही आता है बट कईयों में ऐसा होता है जिसमें फिल्टर नहीं होता एंड उसको डालने में थोड़ा दिक्कत होती है। सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास जैसे गॉर्डन्स की जिन है, इसमें फिल्टर नहीं है, तो इसमें फिल्टर नहीं होने की वजह से मैंने ये इसमें नोजल लगाई हुई है। ठीक है, तो इसमें इजी रहता है पोर करना एंड ज़्यादा पोर नहीं होता है तो हेल्प रहता है। दूसरा है
एक अलग तरह से नोजल आता है. दिस इज द नोजल जिसमें के एक मैयर भी है. सो इट मैयर्स 30 ml ईच टाइम एंड ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाता है. बहुत ही बढ़िया है. सपोज जैसे मेरे पास ये टकीला है, आपको शॉर्ट्स लगाने हैं, सो इट्स वेरी इजी टू यूज. आप एक बार डाउन करेंगे इसको तो अपने आप रुक जाएगा वो 30 पे जाते हैं. सो इफ यू नीड 60 अगेन आप यू हैव टू सीधा करना पड़ेगा एंड देन उल्टा वापस. सो ये मैयर है, मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगा. ये काफ़ी यूजफुल रहता है, आपको बार बार मैयर डालना नहीं पड़ता, आपको जिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली इट स्टॉप्स एट 30 ml. तो जैसे कि हमने बात किया रेड वाइन का, रेड वाइन जब एक बार ओपन हो जाता है तो कॉर्क वापस तो फिट होता नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये स्टॉपर रखा हुआ है. इजीली ये कहीं पे भी फिट हो जाता है किसी भी बॉटल में. एंड मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको. तो दोस्तों ये था बार टूल्स जो कि आई थिंक बहुत यूजफुल हैं और होने ही होने चाहिए अपने मिनी होम बार में, सो दैट जब भी आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं तो आप इजीली बना पाएँ एंड यू कैन इम्प्रेस योर फ्रेंड्स. तो चलिए आई थिंक मैं सारे लिंक्स दे दूंगा नीचे एंड सेट अप योर मिनी होम बार. बेस्ट ऑफ लक. बाय.